हमने लास्ट डिस्कशन में देखा था साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में। दोबारा मैं बताता हूं कि जब भी ये एक्स साइन एक्स में आपका एक्स इक्वल टू एन पाई होगा, यानी कि किसी भी इंटीग्रल वैल्यू जैसे 1 पाई, 2 पाई, पाई, 3 पाई ऐसे होगा, तो साइन एक्स 0 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस एक्स कब 0 होगा? जब एक्स जैसे 2n+1 π/2, 2n+1 का मतलब है कि यहां पर आपका ऑड आएगा, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, यहां पर कॉस एक्स 0 हो जाएगा। तो अगर मैं कोसेक एक्स की बात करूं, जो हमने देखा था पिछली बार 1 बाय sin x है, ध्यान रखिएगा जो भी नीचे वाली चीज यहां पर देख रहे हैं, चाहे sin x हो, cos x हो, cos x हो, sin x हो, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का 0 से डिवीजन लें तो अनडिफाइंड होगा। किसी को 0 से कैसे डिवाइड करेंगे आप, वही यहां पर बात है। आगे हम आते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को 1 बताया था, आपको याद होगा, एक हमने सर्कल बनाया था और उसमें सर्कल में हमने एक 1 का रेडियस लिया था और उसमें ओरिजिन से 1001 इस तरीके से बताया था। वो अभी दोबारा भी आएगा, लेकिन बात ये है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, ये भी एक रिलेशनशिप है। ऐसी एक रिलेशनशिप है कोजेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। अब आपका सवाल होगा कि ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि अगर यहां पर आप कॉस स्क्वायर एक्स से सब जगह डिवाइड कर दे, इन तीनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे और इन तीनों को आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे, तो एक बार ये आएगा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और एक बार आपका आएगा cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ये इसका रिलेशनशिप है। और ये हमने बात की थी कि किस तरीके से हर एक वैल्यू का कोई ना कोई जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हम सोल्यूशन में लाएंगे, क्योंकि साइन कॉस टेन क्या है, दीज आर वैल्यूज ऑफ सब एंगल। जैसे साइन 30 है तो 30 डिग्री एंगल है, कोई रोटेशन है, उस 30 का साइन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो यहां पर वैल्यू दी हुई है। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, मैं एक तरीका बताता हूं। 0 हो या 2 पाई हो, वैल्यूज बिल्कुल सेम रहेंगी। जैसे साइन 0 देखिए आप, यहां पर 0 आ रहा है, साइन अगर 2 पाई देखें तो 0 आ रहा है, ऐसी कॉस 0 पे 1 है, कॉस 2 पाई पे 1 है, ऐसी आप π/4 यानी कि 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है आपका, इसकी वैल्यू देखिएगा, साइन π/4 1/√2 है और कॉस π/4 भी 1/√2 है, ये दोनों सेम आती है। टेन बहुत अच्छा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। टेन के लिए तो आपको बस इसको ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करना है, सब में ऐसे ही है। अच्छा हाँ, π/6 यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का जरा उल्टा चलता है, साइन अगर 30 डिग्री लें तो हाफ होगा, इसी तरीके से साइन 60 कॉस 60 उसका वही कॉस, जो साइन 30 होता है कॉस 60 होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऐसी कॉस आपका जो 30 डिग्री है वो कॉस 60 के बराबर होगा, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं, यहां पर अब ध्यान दीजिए साइन के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा आगे चल के, बहुत इसमें मतलब समझना बहुत आवश्यक है इसमें, कि जो आप साइन दे रहे हैं, मैं अगर कहता हूं कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स है, मैं कह रहा हूं साइन माइनस एक्स है साइन एक्स है, ये कैसे होगा? हाउ? अब इस डायग्राम को दोबारा देखिए, इस डायग्राम को दोबारा देखिए। यहां पर अब हमने पहले यहां से यहां तक लिया था, इधर से इधर तक, ये जो ट्रायंगल आपका था, दिस ट्रायंगल यू रिमेंबर, ये वाला हमारा ट्रायंगल था, लेकिन अब हम ये नीचे भी बना रहे हैं। हमने क्या किया, ए तो ऐसे ही रहेगा, बी जो है, ये बी जो वाई एक्सिस पे हमने जो लेंथ ली थी उसको हम नीचे भी बढ़ा रहे हैं। यहां पर ये बी आप देख रहे हैं, हमने नीचे बढ़ाया, तो माइनस बी हुआ, ये माइनस बी मतलब ऊपर भी नीचे माइनस बी, इसका मतलब ये है कि हमारा वाई एक्सिस माइनस हो गया। तो हम जब ये कह रहे हैं कि यहां पर 1 0 है, तो यहां पर आपका माइनस माइनस 1 0 है, कॉस माइनस एक्स आपका कॉस में, कॉस क्या होता है, आप देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल बिल्कुल याद रखिएगा, पी पंडित बद्री प्रसाद मतलब पी बी पी बाय एच एच बी, तो साइन में पर्टिकुलर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आता है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ओके, साइन में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज मतलब ये रेडियस तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, लेकिन देखिए परपेंडिकुलर में ये बी है तो ये माइनस बी है, ये बी है ऊपर वाला तो ये माइनस बी है, तो साइन केस में साइन है माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। कॉस में क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल में आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, तो उसमें परपेंडिकुलर कहीं नहीं आता, बेस मतलब ये ए हो गया, ये बेस हो गया है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इसमें देखिए ये कहीं भी बी माइनस बी नहीं बन रहा है, बी आपका माइनस बी नहीं बन रहा है,
बी अगर माइनस बी नहीं बन रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि कॉस माइनस एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, मैं यकीन दिलाऊं अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं तो ये आपको ये बहुत बहुत ज्यादा आपका इस्तेमाल होने वाला है। अगर इसको इस तरीके से समझे कि ये पी आपका ए बी है और ये पी ए माइनस बी है, तो यूनिट सर्कल था हमारा ये, दिस इज यूनिट सर्कल, तो ए कहां लाई कर रहा है, यानी कि आप कॉस एक्स कहां लाई करवा रहे हैं, ए माइनस और वन और वन के बीच में। देखिए ये कॉस एक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, साइन एक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, दोनों माइनस और वन के बीच में आ रहा है। किस तरीके से माइनस वन के बीच में आ रहा है, माइनस वन यहां तक और प्लस वन यहां तक, तो वेरी कहां कर रहा है, यहां से यहां तक भी तो वेरी कर रहा है माइनस और वन के बीच में, तो साइन एक्स और कॉस एक्स आपका माइनस वन और वन के बीच में वेरी करेगा, राइट। इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जो देख रहे थे वो जीरो से 90 डिग्री या जीरो से पाई बाय टू तक जा रहा है। ऐसी जो वह यहां पर हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉस या फिर वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो जो ए है, ए जो हम यहां बात कर रहे हैं, ए पॉजिटिव, एक नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि आप अब 180 से 270 के बीच में जा रहे हैं, यहां ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो जिसे हम कह रहे हैं 270 से 360, 270 से 360 में ए आपका पॉजिटिव रहेगा, बी नेगेटिव रहेगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि साइन एक्स जीरो से पाई के बीच में पॉजिटिव है और पाई से लेकर टू पाई के बीच में नेगेटिव है। बस दिमाग में डाल लीजिएगा, साइन एक्स अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो यहां से लेकर यहां तक साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक साइन एक्स नेगेटिव है। अब कॉस एक्स की बात करें, कॉस एक्स जो है वो जीरो से पाई बाय टू में पॉजिटिव है, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू तक, यहां से यहां तक ये क्या है आपका नेगेटिव है, और यहां से यहां तक इस जगह पे ये आपका पॉजिटिव है। अब आपको साइन और कॉस की पता चल गई, अब बाकी के भी साइन आप निकाल सकते हैं। तो जरा एक टेबल देखिए, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स कब पॉजिटिव है, कॉस एक्स कब पॉजिटिव है। साइन एक्स जो है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। कॉस एक्स जो होता है पहले और आखिरी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाता है। अब टेन क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा प्लस, इन दोनों को ले लीजिए तो टेन नेगेटिव आएगा, इन दोनों को ले लीजिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आएगा टेन पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ये आपको पॉजिटिव आएगा। ऐसे आपका टेन एक्स अगर आप यहां ले फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस प्लस है तो टेन एक्स नेगेटिव आएगा। ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि आगे के एक्सप्रेशन इसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। कोसेक एक्स को देखिएगा, कोसेक एस बिल्कुल साइन की तरह चलेगा, देखिए ये साइन है और ये कोसेक है, दोनों सेम है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि ये कॉस एक्स ये और आपका सेक एक्स ये बिल्कुल सेम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कॉट एक्स टेन की तरह चलेगा, तो ये टेन है और ये कॉट है। अब डोमेन और रेंज की बात की जाए, डोमेन और रेंज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात करेंगे। हम जो साइन और कॉस का हमने अभी डेफिनेशन लिया, हमने देखा कि दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि वो कोई भी नंबर आप उसमें डाल दीजिए वो डिफाइंड है, इसमें कॉस और साइन में कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब, और जब इनकी वैल्यू आती है, आप एक्स के अंदर कुछ भी डालिए लेकिन जो ये वैल्यू देगा, साइन एक्स के अंदर कुछ भी डालेंगे तो साइन एक्स कोई वैल्यू, साइन उसका साइन कोई वैल्यू देगा, वो साइन की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगी। ऐसी कॉस एक्स में भी ऐसा है, कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है, जो वैल्यू डालेंगे आप ये माइनस वन और वन के बीच में रहेगी। जो तो डोमेन है वाई का वो साइन एक्स है और y का cos x, ये डोमेन इनका सारा रियल नंबर है। डोमेन का मतलब ये होता है कि जो जो वैल्यू उसमें इनपुट की जा सकती है। और रेंज क्या होगा इसका, देखिए क्योंकि यहां पर हमने इसको इंक्लूड कराया है, लेस देन इक्वल टू है, तो हमने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, ये आपको याद होगा ओपन और क्लोज इंटरवल में हमने पढ़ा था पहले पहले एक चैप्टर में। तो माइनस और वन इसका आपका एक चीज जो डोमेन होती है, एक रेंज होती है। डोमेन मतलब वो होता है जो आप वैल्यू डाल सकते हैं, रेंज वैल्यू वो होती है जो ये आउटपुट देगा, तो ये डोमेन और रेंज होगी। अब आते हैं हम कोसेक एक्स पे, कोसेक एक्स होता है वन बाय साइन एक्स, ये आप देख पा रहे हैं वन बाय साइन एक्स। डोमेन वाई का क्या होगा, अगर वाई को कोसेक एक्स ले तो इसका डोमेन क्या होगा। इसमें भी अब साइन एक्स, जैसे हम कोसेक एक्स देखेंगे साइन एक्स जो है ये नीचे आ चुका है, इसका मतलब अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x में कोई ऐसी वैल्यू डाल नहीं सकते जो नेगेटिव हो। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो होगा
वो सारी वैल्यूज रियल नंबर की होगी, लेकिन वो नहीं होगी जो एन पाई के बराबर हो, एन जो एन बिलोंग टू जेड, यानी कि आपकी इंटीग्रल वैल्यू। तो साइन एक्स क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, मैंने अभी बताया था 1/0 इज अनडिफाइंड, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये नहीं हो सकता। अब रेंज क्या होगा, रेंज क्योंकि ये 1/sin x है, तो वाई या तो 1 से बड़ा होगा या वाई -1 से छोटा होगा। -1 से इधर ले लीजिए और एक्स से इधर ले लीजिए, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसी तरीके से वाई इक्वल टू sec x करिए, वाई इक्वल टू sec x, वाई क्या होगा 1/cos x, ये 1/cos x भी लिख सकते हैं इसको, cos x है ना, 1/cos x अगर हम इसको लेंगे तो अब इसमें क्या बनना चाहिए, cos x कभी जीरो नहीं होना चाहिए। cos x कब जीरो होता है, जब जब x होता है 2n+1π/2 के बराबर। तो इसका रेंज होगा वो पूरा का पूरा होगा, सारे रियल नंबर आएंगे, केवल केवल आप वो नंबर नहीं डाल सकते जो 2n+1π/2 के बराबर हो, जहां पर n जो हम बात कर रहे हैं वो z में रिलेट होगा, यानी कि वो इंटीजर होना चाहिए। रेंज रेंज में भी इसका बिल्कुल सेम, इसी तरीके से आप ले लीजिए कि y लेस देन इक्वल टू -1 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी रेंज भी होगी। अब आते हैं टैन पे, टैन क्या होता है sin/cos, टैन क्या होता है sin/cos, तो cos जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। तो अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स रखेंगे sin/cos, तो cos आपका जीरो नहीं हो सकता, तो x कभी भी 2n+1π/2 नहीं हो सकता। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन होगा वो तो पूरा का पूरा ये होगा, कौन सा डोमेन में आप पूरा का पूरा दे दीजिए, कौन सी वैल्यू देंगे, डोमेन में सारी आर हो जाएगी, केवल आप जिससे कॉस कि जिससे कॉस गड़बड़ा रहा है, कॉस जीरो बन रहा है, ये वाला ये नहीं देंगे। ओके, अब रेंज क्या होगी, रेंज इसकी सारी वैल्यूज होगी, रेंज की कोई बाध्यता नहीं है, रेंज इसकी ऑल रेंज, कोई भी वैल्यू आ सकती है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कोई भी आ सकता है। कॉट का क्या होगा, कॉट होता है cos/sin, तो अब साइन को हम जीरो नहीं कर सकते, कॉट में देखिए cos/sin होता है, साइन को हम जीरो नहीं कर सकते। तो अगर साइन को देखें, तो अगर एक्स इसकी जो डोमेन होगी वो एक्स बिलोंग टू आर होगी, बट एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, क्यों, क्योंकि हम कभी भी साइन को जीरो नहीं कर सकते, और साइन जीरो कब होता है एन पाई पे, तो हम इस वैल्यू को हटा देंगे, आर में से इस वैल्यू को हटा देंगे और ऑल रियल नंबर्स में से इसको हटा देंगे, हमारा बात काम बन जाएगा। रेंज में इसका बिल्कुल टेन की तरह है, इसकी रेंज भी सारे नंबर्स होंगे। ओके, अगला, अब हम पहले क्वाड्रेंट में जाते हैं, इसमें एक्स इंक्रीज कर रहा है कहां, जीरो से पाई बाय टू तक। अगर हम ये पहले क्वाड्रेंट को दिखाएं, ये पहला क्वाड्रेंट है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेंट में यू करके बढ़ रहा है, मतलब जीरो से 90 डिग्री, तो एक्स इंक्रीज कर रहा है जीरो से पाई बाय टू, तो साइन एक्स कहां तक जा रहा है, जीरो से वन, जीरो से साइन एक्स वाला जा रहा है जीरो से वन, एक्स इंक्रीज कर रहा है पाई बाय टू से, साइन एक्स फिर से डिक्रीज कर रहा है वन से जीरो, जीरो से वन हुआ, वन से जीरो हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स बन रहा है पाई से 3π/2, तो साइन एक्स अब यहां पर जीरो से -1 पे जा रहा है, और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -1 से जीरो हो जा रहा है, यानी एक्स इंक्रीज हो रहा है 3π/2 से 2π। अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं तो ये हो रहा है 270 से 360 डिग्री तक, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए अलग अलग आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये बिहेवियर आएंगे, और इनफैक्ट हमारे पास वो टेबल भी है, ये देखिएगा, इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि जो साइन एक्स है वो इंक्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है जीरो से वन तक, डिक्रीज करता है वन से जीरो तक सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जीरो से -1 डिक्रीज करता है, फिर ये इंक्रीज करता है -1 से जीरो। तो आप देखिए इसकी वेरिएशन कहां पर है, ऐसी बाकी जो वैल्यूज है वो यहां पर दी हुई है, जो कि हम अपने क्वेश्चन में करेंगे अभी। तो इस टेबल में आप देखिए जो स्टेटमेंट है, टेन एक्स इंक्रीज करता है जीरो से इन्फिनिटी, यहां पर आप देख पा रहे हैं टेन में लिखा हुआ है कि इंक्रीज करता है जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से पाई बाय टू, इसका मतलब बस ये है कि टेन एक्स इंक्रीज करता है जब एक्स इंक्रीज हो रहा है जीरो से पाई बाय टू, और हम इसको आर्बिट्रेरी, मतलब एक बड़ी वैल्यू जब एक्स अप्रोच करता है पाई बाय टू, तब ये इनफाइनाइट हो जाती है। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले इसमें यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हम इसी जगह से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।